जानकारी यह है कि प्रियंका गांधी को लीला तो एक मिनट हमारे साथ सतीश कल्याणकर जुड़े हुए हैं। सतीश जी बिंदास में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभी हिंदुस्तान आपको नमन कर रहा है कि आपने इसी फिल्म को जो विरोध किया था उसके बावजूद जो आपके अध्यक्ष ने नहीं सुना लेकिन भगवान ने सुना और अब बात हिंदुस्तान सुन रहा है। देश में बदले हुए माहौल में आप अपनी व्यथा जरा बताइए, करोड़ों लोग आपको सुनना चाहते हैं। नहीं देखिए कैसा, मैंने तो मेरा ड्यूटी निभाया है। जब ये फिल्म दिखाई जा रही थी, जब हमने किया जा रहा था, तो उसी समय पर मैंने मेरा इतराज जताया था मेरे सहकारी लोगों से कि इस फिल्म की वजह पूरे देश में बवाल खड़ा हो सकता है और कौन से नियम के अनुसार हो सकता है। एक गाइडलाइन दी है हमें और उसी गाइडलाइन के तहत मैंने वो सुझाव दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। सहकारी मैं सिर्फ सीबीएसई सेंसर बोर्ड ऑफिस में गया और सेंसर बोर्ड ऑफिस में हमारे सीओ के सामने वो मिलने का कोशिश किया, लेकिन वो हमें मिले नहीं। तो मैंने अगर आपके सीओ आपके जैसे सम्माननीय सदस्य को नहीं मिलते तो देश के आम जनता को क्या मिलते होंगे? वो अभी देखो वो का लुकआउट है, मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने एक पत्र जो लिखा और उनको बताया गया है कि ये रूल के कानून के तहत जो ये नियम के अनुसार अपनी गाइडलाइन के विरोध में ये बिल पास की जा रही है और इसे पुनर्निरीक्षण की जो समिति है कमिटी है उसकी तरफ भेजा जाए ताकि फिर से सेंसर बोर्ड इसमें चर्चा में ना आए, क्योंकि आपको सारे देश को पता है कि अभी 2-3 महीने पहले ही पूरा सेंसर बोर्ड का नाम हिंदुस्तान में बदनाम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी अध्यक्षता से बात हुई थी? बच जाए, क्योंकि मैं भी एक सेंसर बोर्ड का सदस्य हूँ, एक हिस्सा हूँ और मुझे बहुत समाज में ताने सुनने पड़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर भी कोई दबाव पड़ा होगा या मीडिया में आ रहा है कि आपके ऊपर काफी दबाव पड़ा गया, फिर भी आपने आवाज उठाई, वो क्या घटना थी? नहीं, आवाज उठाने का कोई नहीं है, मैंने तो आवाज तो एक्चुअली बहुत लेट होता जा रही है। फिल्म तो रिलीज 19 को हुई और हमारा निरीक्षण हुआ था 27-11 को। उसी दिन उसी समय पर मैं बोर्ड ऑफिस में जाकर के जब ही बताया गया था मैंने मेरी बस ड्यूटी निभाई है। दूसरी बात रही धमकियों की और इसकी बात, मैं एक स्वतंत्रता सेनानियों का बेटा हूँ, स्वतंत्र सैनिक का बेटा हूँ, तो मैं नहीं डरता हूँ ऐसे धमकियों से। मुझे हमारे कोई बोर्ड ऑफिसर ने बताया गया था कि ये ऐसे लोगों के मुंह को नहीं लगते, इनके नाक को नहीं लगते है। यही जो है अभी वहाँ पर जो विजय मैडम जो यहाँ पर इन्होंने कुछ महीने इससे पहले कहा था कि आप क्यों ऐसे करते हो, औरंगाबाद से आते हो और ये इन लोगों के क्यों आप ये करते हो, विरोध क्यों करते हो? मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ और किसी को समर्थन भी नहीं करता हूँ, मैं मेरी ड्यूटी निभाता हूँ। कुर्सी पर जिस हम लोग बैठे हैं वो कुर्सी की गरिमा को देखो जरा, कम से कम वो इतना जिम्मेदारी का काम भारत सरकार ने हम पर किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको लगता है कि वर्तमान जो ढांचा है या वर्तमान व्यवस्था है या वर्तमान व्यक्ति है वो भारत की सेंस को सेंसर बोर्ड में नहीं देख सकते? सतीश जी